कल ये भाई गया था अपने बाग में और वहां से देखें ये नींबू लेके आया। नींबू के नींबू हाँ जी हलीम बन रहा है फिर। ये देखो कैसा लगा आपको ये बीज ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक हैं सबके सब। तो चले आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जा रहे खुश हैं? और बखैर रागले जी आया नू। और इंडियंस फैंस के लिए नमस्ते। और चले आज 10:30 से ज़्यादा 11 बजने वाले हैं देखें। और अभी हम उठे हैं, आप हमारी शक्ल देख रहे हैं, अभी घर वालों ने हमें उठाया है। उठो उठो उठो, टाइम हो गया, नाश्ता कर लो। और हम सोते रह गए, ख्वाबो खरोश में सोते रह गए सारे। सुलेमान और ये देखें, ये भी नाश्ता भी कर रहा है फरहान, ये देखें नाश्ता कर रहा है। और कल ये भाई गया था अपने बाग में और वहाँ से देखें ये नींबू लेके आया। नींबू के नींबू, नींबू क्या कहते हैं उसे, सिट्रस। ये बड़े बड़े आजकल जो मार्केट में आए ना, वो लगाए हैं उसने बाग में, 3-4 दर लगाए हैं उससे बहुत ज़्यादा। तोड़ के लाए, एक दरख्त इतने सारे लाए गए, हमने सारे गली में बांट दिए। गली में इतने तो सबको बांट दिए हमने, ठीक है ना? पूरी ये आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ जो उसने बनाई हुई है। वो कम है जी। तो चले, ये आज के जो लंच में है, हम बना रहे हैं हलीम। ठीक है ना? ये देखिए उसके लिए गोश्त वोश और सब कुछ रख दिया है, प्याज टमाटर प्यूरी और अदरक रह गया है। मैं फटाफट जाऊं अदरक ले आऊं। अदरक नहीं है घर में, मैं जाके अदरक ले गया। अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं फटाफट जाके 2 मिनट में अदरक ले आता हूँ, ठीक है ना? और धनिया बार पुदीना बार से कट जाएगा, धनिया अगर होता तो वो भी लेके आता हूँ। तो आप हमारे साथ रहें और देख रहे हैं चलिए हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप मैं पढ़ के फारिक हो गया और अब मैं जा रहा हूँ किचन में। अदरक हम ले आए थे, अभी जा रहे हैं किचन में और देखते हैं क्या मसाले बन रहे हैं। चले तो हम किचन में जा रही हैं और ये मम्मा झाड़ू दे रही हैं, हम किचन चलते हैं। ये देखें वहाँ पर मसाला सारे पड़े हैं, बहुत अच्छे से भूनेंगे फिर अब उसमें दालें ऐड करेंगे। और अब देखते हैं अब्बू क्या कर रहे हैं। सामने तो मोबाइल देख रहे हैं और अब्बू क्या कर रहे हैं, अब्बू क्या कर रहे हैं, अब्बू क्या कर रहे हैं। हाँ जी हलीम बन रहा है फिर। आप पढ़ ले, मेहरबानी करें पढ़ ले। यहाँ पर हलीम तो मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं जो हलीम के ऊपर जो मसाले वगैरह होते हैं, लेमन पुदीना हरी मिर्च अदरक और प्याज, ये मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस प्याज तल रही थी। चलें जी, आज मैं डिनर में अपना फेवरेट पुलाव बना रही हूँ। कौन सा पुलाव बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, चलें मेरे साथ किचन में चलें। मैं बता देता हूँ, हम मुँह से इतना दूर जाएंगे 10 किलोमीटर दूर। चलो बताओ। मम्मा का फेवरेट है दिया,
चलो चलते हैं किचन में और गाइस को भी दिखाते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक, और फिर कीमा डाल दिया। कीमे को मैंने थोड़े से पानी में इसको गला लिया है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ और फिर मैं चावलों के हिसाब से पानी डालकर तो इसको पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। पानी ख़त्म हो गया चावलों में, एक हरी मिर्च डाल दूँगी। तो बस ये कीमे वाला पुलाव मेरा रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाएगा तो तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आखिरकार मम्मा का फ्रॉक कंप्लीट हो गया। मम्मा का नहीं है, छोटी बच्ची का, मामा की भांजी का। सही। ये देखो कैसा लगा आपको ये बीज ने बनाया। बीज ने चले मैं आपको क्लैपिंग से दिखाती हूँ। इधर बिछाओ जरा, मैं दिखाऊंगा इसको इस पे कितनी मेहनत हुई है। अभी तो ये 20 दिन में बना है। और ये कपड़ा भी कुछ ऐसा था, ये डिजाइन देखें कैसा, डोरियां, ये सब कुछ इसने खुद बनाया है। ये एक डोरी शोरी जो आप देख रहे हैं बाजार से नहीं आई है, इसने खुद बनाई है। और ये हाथ का डिजाइन देखें, इस पे इसने 4 दिन लगा, बाजू इसने, ये इन चीजों पे 4 दिन लगा दिए हैं। ये देखें मैंने इस तरह से प्लेटें डाली थी, प्लेटें डाल के तो फिर ये पट्टियाँ लगाई और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन गया। मैं आपको ये क्लिप से दिखा रही हूँ जूम करके। ये मतलब आपने खुद ही बनाया है? हाँ जी, सब कुछ मम्मा ये खुद और बनाया। ये इसको इसका क्या होता है? इसका जो है ये डोरी है। इस डोरी को टाइट करके गिरा बांध देते हैं बस। हाँ। ये पिछला हिस्सा क्या, ये अगला हिस्सा, तो अगले को टाइट करके डिजाइन है, ठीक है। और पीछे भी, पीछे तो कुछ नहीं है, पीछे तो सिंपल ही है। चलो पीछे बस ये फ्लावर फ्लावर से मैं लेकर आई थी क्योंकि कुछ कपड़ा किस्म का था ना, समझ नहीं एक बटन्स लगे हुए हैं। हाँ बटन लगे हुए हैं। पट्टी पे भी मैं लेकर आई क्योंकि पहले मेरे से ये पट्टी छोटी बन गई थी तो गला छोटा बन गया था, इसलिए फिर ये मैं लेकर आई फूल यहाँ पर। गला तो निकल नहीं रहा था तो फिर फायदा क्या इतनी मेहनत करने का, है ना भाई। किधर जा रहे हैं? ये फ्रॉक है ना, बस कपड़ा इतना ही था, वो पजामा खुद खरीद लेंगी खाला। तो ये कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर आज की वीडियो क्लोज करती हूँ। नहीं करना। खाते हैं वाले चावल खाने। चलें ठीक है। तो यहाँ पर अब हम खाना खाने लगे हैं और चावल बन चुके हैं। खोला दरवाजा। हाँ दरवाजा। ओ माशाल्लाह। अब चले दस्तरखान में आ जाओ सारे लोग, दस्तरखान में आ जाओ दस्तरखान में। क्यों चलो आ जाओ, आपके आ गए चावल। चलो लोग वीडियो क्लोज करो आगे। मैं इधर ही बैठे बैठे चले बोले। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बस इतना ही। आप बोलें, आप क्या होता है ये आप एंड करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।